Xiaomi का सब ब्रांड Redmi जल्द ही अपने एक और मिड रेंज के 5G डिवाइस को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने पिछले साल अपने Redmi K30 5G मिड रेंज के स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। अब कंपनी जल्द ही अपने इस स्मार्टफोन को लोअर वेरिएंट के साथ लॉन्च करने वाली है। इसे 26 मई को Redmi 10X सीरीज़ के साथ लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि कंपनी ने इसके बारे में कोई फ़िलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं की है। Redmi K30i के स्टोरेज कलर ऑप्शंस के बारे में नई जानकारी सामने आई है। इस स्मार्टफोन के बारे में पहले भी कई जानकारियां सामने आ चुकी है। इस स्मार्टफोन के बारे में पहले जो जानकारियां सामने आई थी उसके मुताबिक फ़ोन 48 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है। आपको बता दें कि Redmi K30 5G को 64 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया गया था। Redmi K30i को भी Redmi 10X 5G की तरह MediaTek Dimensity 800 सीरीज चिपसेट के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इस मिड रेंज के 5G डिवाइस को 1799 CNY यानी करीब 19,000 रुपये के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। सामने आई नई जानकारी के मुताबिक Redmi K30i 5G को 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है। फ़ोन दो कलर ऑप्शंस पर्पल और वाइट में आ सकता है। Redmi K30i में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ 6.67 इंच का IPS LCD डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 2400x1080 पिक्सल होगा। फ़ोन के टॉप पैनल में पंच होल कटआउट देखने को मिल सकता है। हालांकि स्पष्ट कर दे कि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपने अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। फ़ोन को पावर देने के लिए इसमें 4000 mAh की बैटरी दी जा सकती है।